जाति उम्र के बासियों ने गुज़श्ता रोज कारकुनान में पैसे तकसीम करके एक नई मुसीबत मोल ले ली। मरियम नवाज ने गाड़ी पर पत्थर लगने से शीशा क्रैक होने का बताया। कंपनीज बुलेट प्रूफ गाड़ियां लोहे की बॉल मारकर चेक करती हैं। 30 अरब डॉलर की डिमांड आ चुकी कि वो पत्थर कहां से आए। झूठ फरेब और जालसाजी की हद होती है। वजीर इत्तला'आत पंजाब फयाजुल हसन चौहान के ऑपोजिशन पर लफ्जी वार, बोले वजीर आला पंजाब ना मुलजिम है ना मुजरिम, अभी तक वादा माफ गवाह बनने का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ये बेगम सफदर अवान साहिबा अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे के टूटने का और फिर उनके आगे हवारी और पटवारी जाना, वो बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप यकीन जाने मजाक की बात नहीं है। मुझे तो सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों को साइंस और टेक्नोलॉजी के कुछ 30 अरब डॉलर की जो है वो डिमांड पूरी दुनिया के अंदर जो है ममालिक की तरफ से वो आ गई है कि यार हमें वो पत्थर जो है उसका आर्डर आ गया है पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, साइंटिफिक तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ से कि यार हम बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बना के लोहे के। मैंने तो एक ऐसी क्लिप भी देखा कल के वो जो कंपनियां बनाती हैं बुलेट प्रूफ गाड़ियां, वो लोहे के इतने बड़े बड़े बॉल उनसे वो शीशों के ऊपर मारते हैं, मारने के बाद चेक करते हैं कि यार उस पर कोई स्क्रैचेस, कोई उसके ऊपर कोई टूटने का कोई अमल जब नहीं होता उसके बाद वो अपनी गाड़ी लॉन्च करते हैं। खुदा का वास्ता है मैं बेगम सफदर अवान को हाथ जोड़ के कहूंगा, झूठ की, फ्रेब की, फ्रॉड की, धोखाधड़ी की और जालसाजी की भी कोई हद होती है।